बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहबाब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जान भी खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल नेटवर्क का यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ और वेलकम करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जान भी खैरियत से हैं। आप भी तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें ताकि उस इंसानियत के वसीले से अल्लाह पाक हमारी भी मुश्किल में जो है आसानी पैदा करें। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं फैमिली विजिट वीज़ा और सॉरी फैमिली वीज़ा के हवाले से। इटली फैमिली वीज़ा का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, उनके लिए क्या ख़बरें हैं, तो उस पर इंशाल्लाह पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस पर वसूल हुई हैं। जो दो वीडियोज़ हमने अपलोड की तो तीसरी इस वीडियो की डिमांड की गई, तो वर्क वीज़े पर ऑलरेडी काम जारी है। ठीक है, उस वो एक अलग टॉपिक है, ये फैमिली वाला एक अलग टॉपिक है, तो इसको भी कवर करना लाजमी है। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से ये होगा कि मैं नई वीडियोस आपकी खदमत में पेश करता रहूँगा। तो चैनल पर जो दोस्त नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करके रखें। काफ़ी सारी आपको इटली के हवाले से न्यूज़ मिलने वाली है और ऑथेंटिक न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। फैमिली ये वीज़ा जिसका नाला औस जो है वो भी एक्सपायर होने के नज़दीक है, वो कह रहे हैं कि हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, इसके लिए क्या मामलात हैं। जहर इसके चक्कर लगा लगा कर वो थक चुके हैं। जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो उनसे जो पैसे की डिमांड की जा रही है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह पे जिस तरह वहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि वो मतलब सारा प्रोसीजर उनके हाथ में है, अपॉइंटमेंट लेना, और आप जो है पैसे धड़ धड़ उनको दे रहे हैं। और वो ऐसा है कि आप शाम को आए हैं पैसे देंगे, सुबह जो है आपको वो जो है अपॉइंटमेंट है एम्बेसी से दिलवा देंगे। तो इस पर एक मुकम्मल वीडियो है, ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर्म दिखाऊंगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद कैसे बुक कर सकते हैं। और ये सिर्फ फैमिली वीज़े वाले हैं कुछ। यार मैं बड़ा लोगों से मुतासर हूँ कि अजीब लोग हैं यार। तुम वहाँ पे बैठे और लोगों को देखो कि वो पैसे नहीं दे रहे हैं इस सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए। अपॉइंटमेंट आप खुद ले सकते हैं ईजीली और ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्म है वहाँ पे आपने तमाम तर अपनी डिटेल मेंशन करनी है, जिस सिटी के ने अप्लाई किया था, जिस बंदे ने आपको वीज़ा दिया वो यूरोपियन है या इटालियन है, इटालियन पाकिस्तानी है या जो भी है, ठीक है। तो वो जो है आपने तमाम तर चीज़ें देनी है, ठीक है। इसी वीडियो के मैं आखिर में वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और उस फिलअप करने के बाद उसे आपने कैसे सबमिट करवाना है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो दो भी याद रखिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, सही है, क्योंकि आप कैमरा पॉज करने पड़ेगा और स्क्रीन पर जाते हैं। चलिए जी, तो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा देखनी है, ये आपका मसला हल हो जाएगा। और आप ये 2-3 लाख जो दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे, खुद अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ओके, तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह। जी फ्रेंड, मैं इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए, और ये परफॉर्मा आपके सामने इटली पोर्टल का ओपन हो चुका है। वेबसाइट जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन को आप रूट कर लें। हाउ टू यूज़ बी स्क्वेयर टू रीड ऑल द कंटेंट ऑफ दिस पेज, तो सारी टर्म एंड कंडीशन रीड करनी है, उसके बाद आपने फिलअप करना है। सारा तरीका बताऊंगा स्टेप बाई स्टेप, वीडियो को कोई पॉइंट स्किप नहीं करना है, सही हो गया। तो स्किप नहीं करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो आसानी से मिल जाएगी एम्बेसी से, और घर बैठे इसे आप हासिल कर सकते हैं। आपको जहर इसके चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, सही हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं एस द इटालियन एम्बेसी पब्लिक इज़ द प्रिपेयरिंग एक्यूरेट एंड कम्प्लीट लीगलाइजेशन अप्लीकेंट एंड सी की प्रोसीजर क्लीननेस कोड द एम्बलेस। तो ये सारी चीज़ें यार आप रीड करें, कैसे इसे फिलअप करना है यहाँ पे इसने सारा बताया हुआ है, ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन अपीयर्स इन द लेफ्ट कॉलम फर्स्ट नाउ, तो ये सारी चीज़ें मैशन है। मैं अभी आपको वहाँ पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करनी है आपने, सही है। यहाँ पे आपने 3 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, सही हो गया। तो ये सारा आप फिलअप कर सॉरी पढ़ लें। अब मैं 3 लाइंस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें, सही है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि mahmoodiatravel.com की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। mahmoodiatravel.com टाइप करें, वहाँ पर आपको इसका लिंक जो है वसूल हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप फर्स्ट नेम और आखिरी नेम दें, सर नेम पहला नेम होता है, नाम आखिरी दें।
जो भी है मिस्टर है मिसेज हैं जो भी हैं आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं अपना यहाँ पे मुकम्मल फिलअप करता हूँ, यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ तो क्या क्या मैंने लिखा है। सही है, तो यहाँ पे मैं परफॉर्म फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डेट ऑफ बर्थ, आखिरी नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आप जब सिटीजनशिप पे आते हैं यहाँ पे आपने अपने हिसाब से सिटीजनशिप देनी है, पाकिस्तानी इटालियन है या सिर्फ आप इटालियन है या सिर्फ पाकिस्तानी है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर ये फिलअप कर रहा हूँ, आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से इसे फिलअप करने हैं। स्ट्रीट एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी और साथ में आपने जो आपका सूबा है वो दर्ज करना है, फ़ोन नंबर हो गया, ज़ीरो के साथ फ़ोन नंबर दर्ज करना है, ईमेल एड्रेस देना है। तो मैं ये फिलअप करके फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा फिलअप कर लिया है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि ये सेम दोबारा आपने पूरी चीज़ें दर्ज करनी है और उसके बाद आपने तीसरे स्टेप पे आना है जिसमें डॉक्यूमेंट डिटेल है और फिर रिव्यू एंड सबमिट करना है, ठीक है जी। चलिए तो मैं इसे भी फिलअप करता हूँ। देखिए जी, दूसरा सेटअप भी मुकम्मल हो चुका है। आप तीसरा डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज जाते हैं, ठीक हो गया। तो यार आपने इसी तरह सेव करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, तो तभी आपको जो अपॉइंटमेंट जो है इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट पे ये कह रहा है इट इज़ ए मैंडेटरी टू इंडिकेट द रीज़न ऑफ द रिक्वेस्ट एंड द इटालियन अथॉरिटी द शैल रिसीव। अब आपका जो भी रीज़न है वो आपने मैंशन करना है आपने, सही है। तो यहाँ पर आपका जो भी रीज़न है, फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला, मैं फ़र्स्ट वाला कर रहा हूँ। यहाँ से आपने वीज़ा अप्लीकेशन करना है, सिटीजनशिप जो भी है आप यहाँ पे क्लिक में वीज़ा, और यहाँ से आपने अपने जो भी आपकी अप्लीकेशन फॉर द सिटीजनशिप वगैरह वगैरह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सॉरी, ये कह रहे हैं कुछ फिलअप कर दें, तो यहाँ पे किसी पे चेक लगा देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से भी कुछ कर देते हैं, यस कर देते हैं। अब मैंने ये आखिरी परफॉर्मा जो है नहीं फिल किया, लेकिन पिछला जो मैंने फर्स्ट में फिलअप किया है वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं। और मज़े की इसकी ये बात है कि यहाँ पे प्रीवियस का बटन मौजूद है, यहाँ से आप बैकअप भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनके क्लिक करके भी आप फर्स्ट पे जा सकते हैं, सेकंड ऑथराइजेशन पे जा सकते हैं। तो इस तरह ये आपने फ़िलअप करने हैं, तो इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये लीगल तरीका है, कोई भी दो नंबरी वाला नहीं है जिस पे लोग बता रहे हैं ये ट्रिक कर लें, ट्रिक कर लें, ट्रिक नहीं कर रहे। इटालियन की अपनी जो सॉरी इटली पोर्टल है वहाँ पर जाएँ यार, अपॉइंटमेंट लें। सही है, नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे कि आप वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, वर्क वीज़ा जो असल में VSF के थ्रू, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है, ये वेबसाइट सब के लिए है, सही है। अपन उनके अपने हिसाब से सिटीजनशिप उनके अपने जो हैं आ रहे होंगे। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, लेकिन आपको महमूदिया.com पे मिल जाएगा। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।